नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। हिमाचल के शिमला में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। इस बदलते मौसम के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के बदलाव से कभी धूप तो कभी बारिश ने तमाम शिमला वासियों का जीना मुहाल किया हुआ है। ऐसे में अस्पतालों में वायरल के कारण मरीजों का इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ मौसम विभाग की मानो तो 18 सितंबर तक शिमला में येलो अलर्ट रहेगा और बारिश का दौर बना रहेगा। बारिश के साथ ही यहां धूल भरी हवाओं की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी में भी कमी आएगी। जानकारी के अनुसार राजधानी में कोहरे, धूप और बारिश के मौसम के बीच लोग परेशानी झेलने को लाचार हैं। इसके अलावा स्कूल और दफ्तरों में जाने के दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद आलम यह है कि लोग घरों में रहना ही सही समझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सैलानी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन बदलते मौसम ने उनके भी कदम रोक रखे हैं। ऐसे में इंतजार ये है कि जल्द ही शिमला का मौसम ठीक हो और वो मौसम की फिजाओं में मग्न मस्त घूम सके। हालांकि राजधानी पहुंच रहे सैलानियों के लिए यहां का ठंड से भरा मौसम राहत वाला है, लेकिन धुंध के आगोश में छाने से राजधानी की आबो हवा भी बदल गई है। सैलानियों ने बुधवार को रिज, माल रोड, जाखू मंदिर, कालीबाड़ी, एडवांस स्टडी के अलावा कुफरी, फागू, नालदेहरा व चीनी बंगला आदि का रुख किया और यहां के ठंड से भरे मौसम का लुत्फ उठाया है। मौसम विभाग शिमला के निर्देशक सुरेंद्र पॉल के अनुसार पश्चिमी विभोक्ष के कारण बारिश का कम्र जारी रहेगा और 18 सितंबर तक येलो अलर्ट रहेगा। बहरहाल खराब मौसम के चलते लगभग सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वे आम लोग हो या सैलानी, सभी का इस खराब मौसम ने जीना मुहाल किया हुआ है। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें TV9 पंजाब हिमाचल और बाकी की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।